लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल की। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने आज अपने गृह जनपद के प्राथमिक विद्यालय पोखर भेटुआ का औचक निरीक्षण किया। बताते चलें कि आज करीब एक साल के बाद प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय कोविड-19 आने के बाद खुले हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कोविड के बाद आज खुले बेसिक विद्यालयों की हकीकत जाने अचानक प्राथमिक विद्यालय पोखर भेटुआ पहुंचे। विद्यालय पर मंत्री के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया। शिक्षा मंत्री यहां पहुंचकर पहले विद्यालय के छात्रों से रूबरू हुए, उनसे पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने विद्यालय आए छात्र छात्राओं को कोविड के नियमों का पालन करते हुए विद्यालय में पढ़ने आने को कहा। कोविड-19 नियमों का पाठ भी मंत्री ने छात्र छात्राओं को पढ़ाया। मंत्री ने विद्यालय के छात्र छात्राओं का ध्यान रखने के भी निर्देश अध्यापकों को दिए। मंत्री ने अध्यापकों से कहा कि आप लोग भी ध्यान दें और जागरूक करते रहें ताकि बच्चे मास्क जरूर लगाएं। शिक्षा मंत्री ने छात्र छात्राओं के लिए बन रहे दोपहर के भोजन को खुद खाकर गुणवत्ता भी जांची। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज पहले दिन स्कूल खुला है, बच्चों की उपस्थिति कितनी है, अभिभावकों का रुख क्या है, स्कूल में तैयारियां क्या हैं, देखकर अच्छा लगा कि सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, बच्चे हैं कभी कभी उतार देती हैं। शिक्षकों से कहा कि लगातार ये अनुरोध करते रहें कि बच्चे मास्क लगाएं, रसोई में जो खाना बना रहा है वो साफ सफाई के साथ बने, बिल्कुल हीला हवाली न बरती जाए, सैनिटाइजर स्कूलों में रखा जाए, समय समय पर बच्चों के हाथ सैनिटाइज किए जाएं। मैंने आज ये दौरा शुरू किया है, कहीं न कहीं अब अक्सर विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। मेरे अलावा प्रदेश स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारी भी अब रोज ही कहीं न कहीं निरीक्षण करेंगे। सिद्धार्थनगर से संवाददाता अजहर हुसैन फारूकी की रिपोर्ट। विद्यालय खुलने का पहला दिन है, अब प्रदेश के विशेष शिक्षा मंत्री हैं, विद्यालय में आए हैं, क्या मिला आपको यहाँ पे? देखिए, मैं आज देखने आया था कि पहले दिन स्कूल खुला है, बच्चों की उपस्थिति कितनी है, अभिभावकों का रुख क्या है, स्कूल में तैयारियां क्या हैं। अच्छा लगा कि सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, बच्चे हैं कभी कभी उतार देते हैं। तो मैंने शिक्षकों से कहा है कि लगातार ये अनुरोध करते रहें कि बच्चे मास्क लगाए रखें, रसोई में जो खाना बन रहा है वो साफ सफाई के साथ बने, बिल्कुल ही लापरवाही न बरती जाए, सैनिटाइजर स्कूल में रखे जाएं, समय समय पर बच्चों के हाथ सैनिटाइज किए जाएं। और हमने अपने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है, मैंने आज से दौरा शुरू किया है, कहीं ना कहीं अक्सर जब तक ये अब स्कूल शुरू हो गए हैं हम स्वयं भी निरीक्षण करेंगे, हमारे प्रदेश स्तर के अधिकारी भी करेंगे, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी सब लोग निरीक्षण करेंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती। आपने रसोई में जो खाना बनाया बच्चों ने उसको भी खाया है, क्या रही गुणवत्ता उसकी? मैं रसोई तक इसलिए गया था कि मैं देखना चाह रहा था कि जो हर दिन के लिए मेनू हमने तय किया है उसके अनुसार भोजन बना है कि नहीं बना है। पहले तो भोजन हमको मेनू के अनुसार मिला क्योंकि आज रोटी और सोया बड़ी आलू की सब्जी बननी चाहिए थी। मेरा मकसद था वास्तव में उसको देखना कि मेनू का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, बना था। फिर मैं अचानक मन में विचार आया कि बच्चे इसको खाएंगे तो उसका स्वाद क्या है, किस तरह का भोजन बना है देखूं। भोजन किया मैंने और मैं संतुष्ट हूं, अच्छा लगा, खाने में भोजन स्वादिष्ट लग रहा था, गर्म था। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे सभी रसोईया बहनें, उन्हीं के बच्चे हैं, उनके परिवार के बच्चे, उनके गांव के बच्चे हैं, उनको पौष्टिक भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, ताज़ा भोजन मिले, इसका प्रयास करना चाहिए जैसे यहाँ पर।